हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में हमने नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और मोडल्स हमने कर लिए थे। आज हम इसका सिक्स पार्ट जो कि है प्रपोजिशन, वो करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं बच्चों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने से बोर बिल्कुल भी मत होना। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिगिनिंग में। कुछ एक बच्चे मेरे पास है, मुझे बोलने लगे कि सर इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन हम कैसे याद करें। लेकिन बच्चे क्या होता है, जब हम कोई भी चीज करने लग जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए इजी हो जाती है। और जैसे जैसे आप उसको करते रहेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। और किसी भी चीज को सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना हमारा बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, चाहे कम कर लो, लेकिन उसको ईमानदारी से और इंटरेस्ट के साथ कीजिए। वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और जब अच्छा लगेगा तब आप डेफिनेटली उसको सीख पाओगे। इसलिए मैं अपनी मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ सके, राइट? तो आइए हम इसको प्रपोजिशंस को करते हैं। प्रपोजिशंस है क्या? बेसिकली प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर। प्लेस्ड बिफोर मतलब पहले, यानी कि प्री। जी, अपने आप को खुद डिफाइन कर रही है प्रपोजिशन कि मैं पोजिशन हूं प्री, यानी कि पहले मुझे बताया जाएगा कि मैं कहां रखी जाऊं। किसकी बताती है? नाउन और प्रनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ड्स। ये रिलेशन बताते हैं नाउन का अदर वर्ड के साथ। सिंपली, इट जनरली प्लेस्ड बिटवीन अ नाउन और प्रनाउन, इट शोज टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। देखो, तीन तरह में जो प्रपोजिशन है वो हमें, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रपोजिशन को, टाइम से, प्लेस से और डायरेक्शन से। वो हम आगे करेंगे, क्लियर? इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि प्रपोजिशन होती क्या है, क्या काम करती है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में। देखो, कुछ इसमें एग्जांपल लिखे हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है, द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए, अब जैसा कि ऊपर लिखा होगा कि वो नाउन की पोजीशन बताती है अदर वर्ड्स के साथ और वर्ब की भी। अब देखिए, द गर्ल यहाँ पे क्या है? नाउन और प्रनाउन, कुछ भी कह लो आप, नो, अगर द गर्ल है तो ये प्रनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग हमारी क्या है यहाँ पे? वर्ब। सिटिंग हमारी वर्ब है, और ट्री हमारा यहाँ पे क्या है? प्रनाउन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ये सारी चीज को आपस में लिंक कौन कर रहा है? ये अंडर। क्यों? क्योंकि वो खुद बता रहा है, अंडर ही बता रहा है कि गर्ल्स है, वो बैठी हुई है ट्रीज के नीचे, तो उसकी पोजीशन यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि सिर्फ पॉसिबल हो रही है किसकी हेल्प से? प्रपोजिशन की हेल्प से। अगर ये अंडर मैं यहां से हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल, if I erase this under the preposition from here, the girl is sitting tree, so there is no sense anymore, the sentence is totally incomplete, wrong. आप सोचोगे कि ये तो sentence ही incomplete है, तो ये complete कैसे होगा? Complete होगा under लगने से, क्योंकि उसकी actual जो है position बता दी जाएगी कि girls है under trees में बैठी है। Next देखते हैं, the book is lying on the table, the book is the table में बोल दूं, the book is lying the table, तो it is also incomplete, the book is lying on the table, तो ये हमें क्या बता रही है? Place बता रही है, कहाँ पे कोई चीज पड़ी है। In almira भी हो सकती है, तो ये on भी हो सकती है, in भी हो सकती है, वो वेरी करता है कि हमारा प्लेस क्या है, हमारा on लगने वाला है या in लगने वाला है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर। I'll reach school at 9 a.m. अब देखिए, मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा कितने बजे? 9 बजे, या by tomorrow, तो by और at यहाँ पे क्या है? Prepositions है। The birds are flying in the sky, in the sky। अगर मैं कहूँ the birds are flying the sky और in मैं लगाऊ नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो grammatically हमारा sentence बिल्कुल ही incorrect हो जाएगा, क्योंकि preposition नहीं use की, जबकि करनी चाहिए थी, क्योंकि place बताना है मुझे, प्रपोजिशन बतानी है मुझे किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की, तो मुझे डेफिनेटली प्रपोजिशन लगानी ही पड़ेगी उसकी टाइम, प्लेस और डायरेक्शन बताने के लिए। लास्ट है, जैक इज एट होम, अगेन प्लेस, या इन दिल्ली, कहां पे है? वेयर, ऑन द रूफ, छत पे है, तो यहां पे एट, यहां पे इन और यहां पे ऑन, तो ये सारी चीजें क्या है?
प्रेपोजिशन डिपेंड करता है। अगर मैंने घर कहना तो मैं एट लगाऊंगा, दिल्ली कहना तो मैं इन लगाऊंगा, रूफ कहना तो मैं ऑन लगाऊंगा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो तो हम आगे करेंगे। लेकिन जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमें एक डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, प्लेस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यहां पर हम इसको टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। तीन तरह के ही हम इसको काम हम इनसे ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। व्हाट आर द प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज अ प्री प्लस पोजिशन विच यूजेस बिफोर अ नाइन नाउन और प्रोनाउन टू टेल इट्स पोजिशन, राइट? इज इट क्लियर? सो देर आर फोर टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस, यू नो, इफ आई राइट हियर, फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड, वो हम आगे करेंगे, थर्ड इज पार्टिसिपल, एंड द फोर्थ आर फ्रेजल, फ्रेजल प्रेपोजिशन। तो ये सारी हम आगे करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। आइए सिंपल प्रेपोजिशन करते हैं। सिंपल में इसके कौन से आते हैं? सिंपल में आएंगे इसके एट, ऑन, ऑफ, ऑफ, इन, अंडर, इनटू, फॉर, फ्रॉम, अप, डाउन, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, थ्रू, अंडर, विद, विदाउट, अगो, वंस, बिफोर, आफ्टर, बिलो, अबव, टिल, और टू। ये इसके सिंपल में आते हैं, लेकिन इसको बाइफ्रिकेट किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पोजीशंस को जो है इसको भी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। ये चीजें हमें प्रेपोजिशन से ही पता चलती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन कौन से वाली करते हैं? टाइम की। कि जब अगर हमें हमने टाइम किसी को बताना हो तो हम किस तरह से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इससे आती कौन कौन सी है इसमें प्रेपोजिशन? आती है इसमें एट, एट जो कि टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। आई विल रीच देयर एट टाइम, यू नीड टू रिपोर्ट इन स्कूल वेल एट 9 o'clock, राइट? तो तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। हम ऑन थोड़ी यूज करेंगे, यू नीड टू रिपोर्ट ऑन 9 o'clock, तो दैट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चे, जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ये चीजें हमारी इंग्लिश को इतना निखार देती हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, कि हमें इस चीज के बारे में नॉलेज है। धीरे धीरे हर रोज हमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा सुधारना होता है, और ये छोटी छोटी कोशिशें हमें एक दिन बहुत अच्छा बना देती है, हमें हमारी लैंग्वेज को बहुत अच्छा बना देती है, राइट? सो कम बैक टू द पॉइंट, ऑन। अब ऑन कहाँ यूज करते हैं? ऑन हम एक सरफेस के ऊपर, अगर मैं टेबल के ऊपर अपना मार्कर रख दूं कि माय मार्कर इज लाइंग, फॉर एग्जांपल हैंड पे रख रहा हूं, तो माय मार्कर इज लाइंग ऑन हैंड, राइट? तो इसको मैं इन हैंड नहीं बोल सकता या एट हैंड नहीं बोल सकता। तो जो प्रेपोजिशन था वो हमारी जो टाइम प्लेस को भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टाइम को कैसे बताएगी, यहाँ पे प्लेस नहीं बता रही, कैसे बताएगी टाइम को? मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं कि आई विल रीच टू द ऑफिस ऑन मंडे, नो, ऑन मंडे, तो ऑन मंडे यानी कि टाइम बता रही है, मैं कब पहुंच रहा हूं, व्हेन। ये सारी चीजें व्हेन का आंसर देंगी, कब का आंसर देंगी? व्हेन का, कोई चीज कब हो रही है। तो आई विल रीच ऑफिस ऑन मंडे, क्लियर? देन ही हैज लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, अब वो कितने टाइम से यहां रह रहा है? एक महीने से रह रहा है। क्या बता दिया? 10। कब से रह रहा है? एक महीने से, राइट? ही विल कम एट 8 o'clock, कितने बजे पहुंच जाएगा? व्हेन? 8 o'clock, राइट? या पहुंच गया था, यस्टरडे पहुंच गया था, राइट? ही केम, क्लियर? देन आता है सिंस, ये प्रेजेंट जब हम टेंस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जब हम करते हैं, उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, और वो हमें टाइम के बारे में ही बताते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, I'll say the preposition is, जैसे I have been teaching since 2011. अगर मैंने कहना हो कि मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, तो what I'll use? Since I have been teaching since 2011. मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं। और अगर मैंने कहना हो कि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो what I'll say? I have been teaching for last 12 years, right? So this is the very different between since and for. It is also used to tell the time, when, how long you have been teaching. I have been teaching since 2011. I have been teaching for last 12 years, this and that. So it is also indicating about time, right? And the next is last. Now last, I last we use karte na for last
12 years for last 2 hours I have been singing a song for last 1 hour for last 2 hours I am reading this book for last 4 years I am in teaching line for last 10 years so last bhi hum preposition ke liye use karte hain then after bhi hai before hai in hai ye kaam bhi jaise he will get married after his after ab after yahan pe kya bata raha time bata raha ki wo apne bhai ki shaadi ke baad wo shaadi karayega I shall inform you in a month main aapko ek mahine ke andar andar इन्फॉर्म कर दूंगा आई विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ अब इन सिर्फ अंदर के लिए यूज नहीं किया जाता हमने देखना है सेंस क्या कह रही है तो व्हेन इन अ मंथ दे विल वेट फॉर यू अंटिल या टिल मंडे वो आपके लिए कब तक वेट करेंगे मंडे तक वेट करेंगे राइट तो टिल और अंटिल भी हमें क्या बता रहा है टाइम यानी कि व्हेन कब तक वेट करेंगे भाई अंटिल या टिल हम इसके लिए यूज करेंगे क्लियर Then during, अब during is also a good preposition which tells us time. कब? During the corona, many people lost their lives. Corona काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां गवाई कब गवाई Corona के काल में during while, यानी कि जब Corona चल रहा था तो क्या बता दिया उसने Time बता दिया उस time के दौरान Clear? The last है They will start studying from. अब from भी तो use होता है हमारा. From next week. कब से पढ़ना शुरू करोगे? Next Monday से. या कल से. I'll start study from tomorrow. कल से पढ़ना शुरू करूँगा. लेकिन कल कभी नहीं आता. Tomorrow never comes, right? If you have to do anything, you will have to start now. कब? Now. अब now भी इसमें form होती है. I forgot to write. Now is also a preposition. I'll start studying from now. Clear? तो time की आपको preposition समझ में आ गई है Clear? जहां पे हमें किसी noun की time की position बता रहा हो वहां पे ये सारी हम prepositions use करेंगे Next करते हैं हम place. Place में कौन कौन सी positions use होते हैं तो next आते हैं हमारी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस प्लेस के बारे में बताते हैं जगह बताते हैं उनमें कौन कौन सी प्रपोजिशन आती है एट इन और अबव बिलो अंडर बिटवीन अमंग विद बिसाइड बिसाइड्स ओवर इनटू बिलो और बिहाइंड दीज आर द प्रपोजिशन विच कम्स अंडर प्लेस या यू कह लो कि जो हमें प्लेस जगह पोजिशन के बारे में बताती है जैसे कि इसे एग्जाम्पल देखिए और इसका एक्यूरेशन यूज बहुत जरूरी है अगर आपने गलत प्रपोजिशन लगा दी तो सेंटेंस कि जो सेंस है वो गलत हो जाती है यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा इसलिए इसको ध्यान से करिए जैसे कि he lives in Delhi they are at home अब देखिए Delhi और home के लिए in और at का यूज क्यों किया गया जो चीज बड़ी होती है ना जैसे दिल्ली जो है वो बड़ी है होम से ऑब्वियसली इसलिए at लगाया गया है और इसका मतलब ये भी नहीं कि at सिर्फ होम के लिए लगेगा एट हम जैसा कि मैंने आपको पहले प्रपोजिशन ऑफ टाइम में बताया था कि एट टाइम के लिए यूज आई विल रीच देयर टाइम राइट तो इसी का ध्यान रखना आपने कि सिर्फ एट जो है वो टाइम के लिए नहीं बल्कि प्लेस के लिए भी यूज होता है लेकिन अगर जगह छोटी हो तो इन यूज होता है उस चीज के लिए जो जगह बड़ी हो जैसे आई लिव इन इंडिया राइट आई लिव एट इंडिया हम यूज नहीं कर सकते इसलिए इस चीज का आपने ध्यान में रखना है द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप राइट तो इन कहां पे यूज होता है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के लिए या बहुत बड़ा के लिए यूज होगा जैसे अगर मैं कहूं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास तो वहां पे भी मे यूज होता है लेकिन इसकी सेंस को हमने देखना है इसकी सेंस को हमने ऑब्जर्व करके इसको बोलना है देन द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स जो एरोप्लेन था वो बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था क्या तो अब यहां पे प्रपोजिशन है जो कि हमें क्या बता रही है प्लेस बता रही है देन इट इज बिलो कौन सी है दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी ये जो काम है जो मेरा रुतबा है उससे मैच नहीं करता उससे बहुत ही नीचा है तो यहां पे वो प्लेस नहीं बता रहा वहां पे वो एक डिग्निटी अपनी बता रहा है कि मैं इससे डिजर्व नहीं करता ये मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती उससे बहुत ही नीचा है तो बिलो मतलब नीचा होना किसी चीज से He is sitting under the tree. अब देखो जो पेड़ है उसके अंदर नीचे जमीन है ऊपर पेड़ है और उसके बीच में बैठे हैं He is sitting. अब he
क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है. सिटिंग क्या है? वर्ब है. अंडर हमारी प्रीपोजिशन है और ट्री हमारा प्रोनाउन है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है. तो इन सभी को लिंक कौन कर रहा है? अंडर कर रहा है जो कि हमारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. देन शी हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द कर्टन. उसने अपने आप को छुपा लिया बिहाइंड इनकी पीछे किसके कर्टन के पीछे छुपा लिया. ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी. अब देखिए ये बिसाइड और ये बिसाइड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसको देखिए बिसाइड होता है बगल में. बिसाइड होता है बगल में. यहां बिल्कुल आपके कोई पास में बैठा हो जाए. ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी. वो मेरे पास ही बैठा था या बैठी थी. व्हाटसोएवर राइट. और बिसाइड्स होता है के अलावा. के अलावा इसी का नाम है. बिसाइड होता है बगल में बैठना. बिसाइड होता है के अलावा अतिरिक्त अन्य. ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी. वो मेरे पास ही बैठा था बगल में बैठा टच में बैठा था. बिसाइड्स अ बाइक ही हैज अ कार टू. एक बाइक के अलावा उसके पास एक कार भी है. के अलावा एक बुक के अलावा उसके पास एक नोटबुक भी है. स्कूल के अलावा वो ट्यूशन भी जाता है. सो के अलावा जहां हम यूज करते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बिसाइड्स. देन ही इज राइटिंग विद अ पेन. वो किसके साथ लिख रहा है? पेन के साथ. अब लिंक कर दिया राइटिंग को पेन के साथ. किससे लिख रहा है? विद अ पेन के साथ. राइट. देन जैक जंप्ड इनटू द रिवर. अब रिवर है. रिवर तो स्टेबल है, चल रही है, बह रही है. लेकिन जो उसके अंदर आ रहा है तो उसके अंदर अपने आप को पूरा डुबा लेना, वहां पे हम यूज करते हैं इनटू का. इसके अलावा ये है बिटवीन और अमंग. इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिए. जहां पे हम यूज करते हैं बिटवीन, वहां पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं सिर्फ दो चीजों का. जहां पे सिर्फ दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं वहां पे हम बिटवीन यूज करते हैं. जैसे अगर मैंने पूछना हो हु इज गुड बिटवीन राम एंड श्याम, हु इज यू नो बेटर देन राम और श्याम, तो यहां पे बिटवीन यूज करूंगा. अगर वहां पे पर्सन जो मेरे हैं वो दो या दो से ज्यादा हो वहां पे मैं यूज करूंगा अमंग. जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, तो वहां पे सिर्फ दो स्टूडेंट नहीं है, दो से ज्यादा है. जब मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूं सो हु इज यू नो हु इज बेटर अमंग राम श्याम एंड शैम, तो जहां पे मैंने तीन जनों का कंपैरिजन कर रहा हूं वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? अमंग. जहां पे मैं दो जनों का कर रहा हूं वहां पे मैं क्या करूंगा? बिटवीन. सो दिस इज द वेरी डिफरेंट बिटवीन बिटवीन एंड अमंग राइट. सो मेक इट श्योर. सो एट हो गया इन, अबव, बिलो, अंडर, बिटवीन, अमंग, विद, बिसाइड, ओवर, Into, below और behind. ये हमारी जो preposition of place है ये complete हो गई है, right? तो next है हमारी direction की. Preposition of direction कहाँ पे यूज़ है? आइए करते हैं. तो position of direction क्या है? देखो जैसा कि ये नाम से ही बता रही है कि ये direct करती है, दिशा बताती है किस तरफ. Mostly ये हमें दिशा के बारे में बताती है या distance के बारे में बताती है, right? इसमें कौन कौन सी आती है? First हमारे पास है टू. टू हमें बताती है destination. टू हमें क्या बताती है? डेस्टिनेशन. हमारा जो लक्ष्य है वो हमें बताती है. जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रहे हैं? वो मार्केट. दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू टेम्पल. सो टू हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें किसी का डेस्टिनेशन पता करना हो. या हम बिलोंग के साथ भी टू लगाते हैं. जैसे आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो वहां पे भी हम टू का यूज करते हैं. क्लियर. देन आता है हमारा इसमें फोर. फोर भी हमारा डेस्टिनेशन के लिए ही यूज होता है. कैसे होता है? जैसे ही हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका, वो अमेरिका के लिए चल पड़ा. तो ये दोनों चीजों के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि टू लगेगा या फोर लगेगा, इसमें आपने गलती नहीं करनी. जहां पे हमने डायरेक्ट डेस्टिनेशन देना हो वहां पे टू, और जहां पे इनडायरेक्ट देना हो वहां पे फोर हमें यूज करना है, ठीक है. और यहां पे क्या आता है हमारा? अमेरिका के लिए ए कैपिटल. Then toward, to the direction. अब ये direction बताता है. देखिए, they are going towards this station. वो station की तरफ जा रहे हैं. तो direction बता दी. और दूसरा toward और towards. कई जगह पे towards लगा होता है. जैसे यहाँ लगा toward,
यहाँ पे लगा टवर्ड, वहां पे टवर्ड्स, तो देयर इज नो डिफरेंट, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना, टवर्ड और टवर्ड्स इज ऑलवेज सेम, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन दीज टू वर्ड्स, टवर्ड्स और टवर्ड, देयर इज नो डिफरेंट, बोथ द प्रेपोजिशंस आर सेम। अलोंग, अलोंग हमें विड्थ या फार बताती है, कितना डिस्टेंस हम इसमें, जैसे ही वॉक्स अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ चल रहा था, वो हमें बता रही है विड्थ बता रही है, क्लियर। फार कितना पास है, पास पास चल रहे हैं। या बैंक ऑफ रिवर, ही वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि किनारे के लिए, मोस्टली ये किनारे के लिए ही यूज होता अलोंग, ही वॉक्स अलोंग मी, वो मेरे साथ साथ चले, राइट। तो इसके लिए यू, देन अक्रॉस, अक्रॉस अगेन यूज अब फॉर द डिस्टेंस, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा एक फ्रेंड है वो जो नदिया के उस पार रहता है, उस पार के लिए, जैसे बीच में कोई नदी है और उस पार के लिए हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो कौन सी करते हैं, अक्रॉस। टूडे वी हैड अ रन अक्रॉस कंट्री भी यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं, राइट। सो मेक इट श्योर। देन लास्ट हमारा आता है इनटू, इनटू हमारा होता है मोशन से रिलेटेड, कि कोई चीज मोशन करती हुई अंदर जा रही है, जैसे मैं कमरे में एंटर कर रहा हूं या क्लासरूम में एंटर कर रहा हूं, तो मैं मूवमेंट में हूं, क्लास स्थिर है, इट्स स्टेबल, सो फोर्सफुली मोशनली मैं अंदर जा रहा हूं, तो आई विल से आई गेट इनटू द रूम या आई गेट इनटू द क्लासरूम, राइट। इसमें क्या लिखा है, अ डॉग फेल इनटू द वेल, अब जो कुआं है वो तो स्टेबल है, डॉग मूव कर रहा है और कुएं के अंदर गिर गया, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, इनटू, एड नहीं लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। शी वेंट इनटू द रूम, वो एंटर करके किस में, रूम में, क्लियर। यहां तक समझ में आया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस वी हैव कंप्लीटेड टुडे, फर्स्ट इज टाइम, देन प्लेस एंड देन डायरेक्शन। इसको पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, बुक्स से पढ़िए, बुक्स कभी मत छोड़िएगा, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे मत बैठिए, ऑनलाइन में वी कैन जस्ट सजेस्ट यू, वी कैन यू नो क्लियर कपल ऑफ डाउट्स, बट मोस्ट ऑफ द डाउट्स कैन बी क्लियर थ्रू द बुक्स ओनली, नॉट बाय दिस, राइट। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीड बुक्स मोर एंड मोर, बुक्स को कभी मत छोड़िए, आई नेवर विल रेकमेंड टू लीव बुक्स, नो। Alright, so I hope कि आपको ये आप मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड ऑल्सो आई हैव अपलोडेड सो मेनी माई प्रीवियस वीडियोज, इफ यू डू हैव एनी डाउट देन गो थ्रू दैट वीडियोज एंड वॉचेस, सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, जय हिंद।